बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत संदा पंचायत के देवरी गांव में बीते 18 जून की देर शाम में गोलीबारी में हुई हत्याकांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी देवरी गांव निवासी ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा को पुलिस ने सरसब गांव स्थित महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तार की है। इस कांड में पकड़े गए मुख्य आरोपी के अलावे दो अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और घटना में शामिल अन्य आरोपितों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना प्रेम संबंध में हुए विवाद के कारण हुई थी, जिसका पुलिस ने कड़ी मशक्कत के उपरांत खुलासा कर लिया। ये उक्त बातें जयनगर SDPO सह बेनीपट्टी के प्रभारी SDPO विप्लव कुमार ने शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहे। उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध में हुए विवाद को लेकर ही आरोपी ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें पड़ोस के एक युवक मोहम्मद जहीर को गोली लगने से मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति जयकरण गिरी लड़की के पिता के हाथ में गोली लगने से वे जख्मी हो गए थे। इस संबंध में मृतक की मां द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना के बाद पुलिस के द्वारा इस कांड के आरोपी ब्रिज बिहारी उर्फ गिरधारी झा के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान बीते गुरुवार को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी बेनीपट्टी थाना के सरसब गांव स्थित महादेव मंदिर के पास खड़ा है और वहां से निकलने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में बेनीपट्टी के प्रभारी थाना अध्यक्ष कंदन वार्षिकी के द्वारा मुझे सूचित किया गया तो मेरे नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन करते हुए तुरंत छापेमारी को निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे नेतृत्व में छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरिसब स्थित महादेव मंदिर के पास पहुंचकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार की बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी के द्वारा अपने स्वीकारित बयान में इस घटना में दो अन्य लोगों को भी शामिल होने की बात बताई है। SDPO ने यह भी बताया कि पकड़ा गया आरोपी कई आपराधिक कांडों में भी संलिप्त है, जिसमें देवरी हत्याकांड के अलावे बेनीपट्टी व सहरघाट थाना में अलग अलग दो प्राथमिकी दर्ज है। फिलहाल देवरी मामले का अनुसंधान जारी है। प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति पड़ोस के एक युवक को गोली मारे जाने का दूसरे कारण की संभावना होने की बात पूछे जाने पर SDPO ने कहा कि अनुसंधान के क्रम में यह भी सामने आया है कि आरोपी के प्रेम संबंध में मृतक बीच बीच में हस्तक्षेप करता था और आरोपी के साथ मृतक का पहले से भी कुछ मामला चल रहा था, जो अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हो सके। वहीं छापेमारी टीम में सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, प्रभारी थाना अध्यक्ष कंदन वाश की ASI मुकेश कुमार व PTC संतोष कुमार। गिरफ्तारी कहां से हुई? ये दिनांक 18/6/24 को 8:30 रात्रि में देवरी ग्राम बेनीपट्टी थाना अंतर्गत एक जगह है, वहां प्रेम प्रसंग को लेकर युवक जो है जहीर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसी कांड में जो है एक व्यक्ति जयकरण गिरी भी, जो लड़की के पिता हैं, उनको भी घायल हो गए थे गोली। इस कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरधारी झा को कल गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में टीम गठित हुआ और मार्गदर्शन करके अंचल निरीक्षक जयनगर अंचल, इसके अलावा थाना प्रभारी और अन्य टीम जो है छापामारी का अभियान जारी रखा और इसको कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया, जो सरिसव स्थित महादेव मंदिर के पास था। और इसके स्वकृति बयान के आधार पर दो अन्य लोगों का नाम आया है, उसको भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या में प्रयुक्त हथियार की भी कुछ जानकारियां आई हैं, हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं, उसको भी बरामद किया जाएगा बहुत जल्द। और इसका कब तक प्रेम प्रसंग था और इसमें जहीर की एंट्री कैसे हो गई? इसमें प्रेम अनुसंधान के क्रम में ये बात पता चली है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और उसमें जहीर नामक युवक का भी बीच बीच में कुछ तरह का हस्तक्षेप, हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि जो जहीर युवक है जो इस कांड में जो है ये नृत्य हुआ है, उससे संबंध में इसके साथ भी जो था अपराधकर्मी के साथ भी कोई मामला पहले से रहा है और इस अपराधकर्मी जो कि ब्रिज बिहारी झा और गिरधारी झा है, इनका जो है आपराधिक इतिहास भी है। बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 182 एवं सहारगढ़ थाना कांड संख्या 123 में ये अपराधी भी रहा है। क्या यह मामला प्रेम त्रिकोणीय प्रेम का भी था? अभी अनुसंधान चल रहा है, जो बातें आती हैं तो और आगे क्लियर होगी। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।